हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द कैरियर एकेडमी। दोस्तों, एक अजीब सी प्रॉब्लम में टेक्निकल जो छात्र डिप्लोमा होल्डर हैं, एक अजीब सी प्रॉब्लम में आ गए हैं। और कई छात्र कमेंट कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं लगातार कि सर, ये जो यूपी ट्रिपल एससी का अभी ये सिलेबस आ गया है, तो इसके हिसाब से तो इसका पेपर भी बहुत जल्द होगी। तो बात बिल्कुल सही है, पेपर बहुत ही जल्द इसका होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 45 डेज, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलना है इस पेपर के लिए। किसी भी दिन आपका इसके बारे में उत्तर प्रदेश जो यूपी ट्रिपल एससी जो बोर्ड है वो इसके बारे में नोटिस दे सकता है आपको कि पेपर की डेट कब है आपकी। परीक्षा बहुत पुरानी है और अब समय आ गया है, सिलेबस दे दिया गया है। 45 दिन तैयारी के लिए बहुत होते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरी है अभी जो है पीईटी का रिजल्ट जो है आपका 14 तारीख के बाद कभी भी आ सकता है। 14 सितंबर के बाद पेट का जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा। तो अब छात्र यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जेई की तैयारी करें या फिर लेखपाल की तैयारी करें, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में है छात्र। तो वो पूछ रहे हैं, कई लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि सर, जेई की नौकरी अच्छी है या लेखपाल की नौकरी अच्छी है। तो भाई, मैं आपको ये बता दूँ, आप जेई हो, आपने डिप्लोमा किया है, आपके पास एक स्पेशल क्वालिफिकेशन है। वो क्वालिफिकेशन जो बीए बीएससी करने वालों, बीए बीएससी जो कि करते हैं, उनसे अच्छी क्वालिफिकेशन मानी जाती है। आप इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हो, आप टेक्निकल फील्ड के आदमी हो, लेखपाल बनकर आप कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाओगे। हाँ, अगर आपको कोई नौकरी मिल ही नहीं रही है जेई की, तब तो आपको लगेगा ठीक है, हम लेखपाल बन गए, ठीक है। अरे, लेखपाल का भी कोई स्टेटस होता है, स्टेटस तो जेई साहब का होता है। आपको जेई के पद की गरिमा नहीं मालूम अभी कितनी है। जेई का पद जो है काफ़ी अच्छा होता है और इसमें आपको संतुष्टि भी मिलेगी। पहली बात तो आप अपने सब्जेक्ट का जो पढ़ाई की है उसके बारे में काम करेंगे, टेक्निकल काम करेंगे। आप किसी भी विभाग में जा सकते हैं, मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है, तो उसके हिसाब से किसी भी विभाग में जा सकते हैं। एक डिटेल वीडियो मैं आपको बना के बताऊँगा कि आप किस किस विभाग में जा सकते हैं और किस किस विभाग में जेई का क्या क्या काम होता है। अभी फिलहाल इस वीडियो में तो हम वो सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें आपको इतना बता दें कि आप इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग में जा सकते हैं, सिंचाई विभाग में जा सकते हैं, और इस तरह से मतलब जहाँ जहाँ वैकेंसीज की निकलती है, लोक निर्माण विभाग हो गया, या फिर इसमें शायद पंचायती राज विभाग के भी कुछ विभाग हैं, वहाँ भी जा सकते हैं आप। तो जो भी विभाग है, विज्ञापन से देखेंगे कौन कौन से विभाग हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं और उन विभागों के काम क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब एक प्रश्न और उठता है कि क्या ये आप जेई का एग्ज़ाम भी दे लीजिए, लेखपाल का भी दे लीजिए, जहाँ सिलेक्शन हो वहाँ नौकरी कर लीजिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बस क्या करना है आपको, केवल 2 महीने पढ़ना है। 2 महीने पढ़ेंगे तब हो सकता है आपको दोनों नौकरी मिल जाए। तब आप फिर पूछेंगे, तब आप पूछिए, पूछना तब वाजिब भी है कि जेई ज्वाइन करूं या लेखपाल ज्वाइन करूं। मैं फिर भी कहूंगा जेई ज्वाइन कीजिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो छात्र थोड़ा सा परेशान रहते हैं। अभी फ़िलहाल आप जो तैयारी करेंगे, एक कॉमन तैयारी कीजिए जिससे लेखपाल भी ना छूटने पाए और जेई में भी आपकी पकड़ मजबूत रहे। देखिए, जो नॉन टेक्निकल चीज़ है वो लगभग दोनों में कॉमन है, लगभग की बात करता हूँ मैं। एक चीज़ छोड़कर यहाँ पे ग्रामीण परिवेश का एक सब्जेक्ट है, वो आपको पढ़ना है। तो जो छात्र गांव से जुड़े हुए हैं, उनको ग्रामीण परिवेश के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। ग्रामीण परिवेश में सचिव साहब क्या काम करते हैं, लेखपाल का काम क्या होता है, भूमि पैमाइश कैसी होती है, और पटवारी साहब जो होते हैं, कानूनगो साहब लोग क्या काम करते हैं, चकबंदी कैसे होती है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये हम वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा देंगे और एक कोर्स बना के आपको दे देंगे। वो कोर्स कहाँ मिलेगा, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगा। मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर में उदय कैरियर अकेडमी है, एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको वो मिल जाएगा और वहाँ पे डाल देंगे। और बाकी जो जेई की बात, तो जेई में देखिए, अब दोनों तैयारी हो गई, इसके बाद जेई में क्या होता है, जेई में आपको अपनी ब्रांच के क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे कि मैकेनिकल है, मैकेनिकल क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल करेंगे, सिविल वाले सिविल करेंगे, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर के करेंगे। तो इतने साल से आप पढ़ रहे हैं, सारी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या मैकेनिकल तैयारी आपकी है नहीं? थोड़ा आपको रिवीजन ही तो केवल करना है। रिवीजन के लिए आपके लिए मैं टेस्ट सीरीज ला रहा हूँ। 140 प्रश्न, 150 प्रश्न जितने भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे,
उनकी टेस्ट सीरीज मैं दूंगा यहाँ पे, और सेम टू सेम उसी तरह के प्रश्न हैं, 150 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, 140 नहीं आएंगे, और हर प्रश्न 4 नंबर का होगा। तो 150 प्रश्नों की कम से कम आपको 8 या 10 सेट में बना के दूंगा, जिसको आप सॉल्व कीजिएगा। बाकी छोटे सेट भी होंगे जो 30-30 प्रश्नों के सेट होंगे, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सेट होंगे, तो सब मिला के काफ़ी ज़्यादा अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। बस उतना ही आप पढ़ लेंगे तो आपके 90% क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आपके फंस जाएंगे। जो क्वेश्चन मैं दूंगा, किताब में तो आपको हज़ारों क्वेश्चन मिलेंगे, आप जैन उठाएंगे, खुरमी उठाएंगे मैकेनिकल के लिए, और इसी तरह से बीएल थरेजा वगैरह उठाएंगे इलेक्ट्रिकल के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कन्फ्यूज होंगे आप। जो टेस्ट सीरीज मैं लेके आने वाला हूँ और जल्दी लेके आऊँगा, टाइपिंग चल रही है उसकी, हमारे जो एम्प्लॉइज लोग हैं वो टाइपिंग कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, मैं खुद सारे उसके प्रश्न चुन चुन के रखूँगा उसमें, और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं तो फिलहाल यही करूँगा कि नौकरी करिए आप, जेई की एग्ज़ाम दीजिए, दोनों का सिलेक्शन लेने की कोशिश कीजिए दोनों में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट नई जानकारी के साथ, बने रहें आप उदय किरण एकेडमी के साथ। धन्यवाद।